वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ग्रेड फोर परीक्षा 2019-20 का सिलेबस क्या है और परीक्षा किस तरह होगी। तो आइए देखते हैं। कार्यालय चपरासी समतुल्य पद पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित हैं। लिखित परीक्षा 85 और साक्षात्कार 15 अंक के होंगे। सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी, जिसमें 10th स्टैंडर्ड के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सिलेबस इसका सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान की जानकारियां होगी। लिखित परीक्षा में कुल 85 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों हेतु क्रमशः 40, 25 एवं 20 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR शीट में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 5 गुना तक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर अधिक आयु वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। जनरल हिंदी का सिलेबस है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और व्यंजन। इसी प्रकार अंग्रेजी का सिलेबस होने वाला है टेंस, आर्टिकल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, जेंडर, एडजेक्टिव, वर्ड, वर्ब, एडिटिंग, ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, वोकेबलरी। राजस्थानी कल्चर एंड संस्कृति का सिलेबस होने वाला है राजस्थानी लोकोक्तियाँ, राजस्थानी कहावरे, मुहावरे, राजस्थानी बोलियाँ, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।